तो फाइनली MIUI 13 जो है अवेलेबल हो चुका है Revenote 7S Lavender के लिए। एंड इस वीडियो के ऊपर हम दोस्तों इसी रॉम का जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर MIUI 13 का जो 21.12.27 का जो बिल्ड है वो अवेलेबल हुआ है अपने Revenote 7S Lavender के लिए। अभी फिलहाल MIUI 13 जो है चाइना के ऊपर अवेलेबल है, इसलिए जो है कोई भी स्टेबल वर्जन हमें देने को नहीं मिलता है, ग्लोबल स्टेबल वर्जन और इंडिया स्टेबल वर्जन। देख सकते हो यहाँ पर MIUI 13 का बिल्ड है Revenote 7 के ऊपर। एंड ये जो हमें दोस्तों एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, तो आपको MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 11 का सभी जो फीचर्स है देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है हमें December 1, 2021 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी देने को मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। प्लस यहाँ पर हमें जो है 4.4 का जो नेक्सस कर्नेल है वो भी देने को मिल गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें क्या क्या नया फीचर्स देने को मिलता है। सबसे पहले ये जो MIUI 13 का बिल्ड है दोस्तों ऑफिशियली Revenote 7 के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी तक ऑफिशियल Revenote 7 के लिए MIUI 13 का जो बिल्ड है देखने को नहीं मिला है। ये जो बिल्ड है दोस्तों पोर्ट बिल्ड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो रॉम है दोस्तों 21.12.27 जो चाइना रॉम है दोस्तों उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है एंड्रॉयड 11 के साथ। क्योंकि पोर्ट बिल्ड है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ कुछ जो है बग्स देने को मिल सकता है। एज वेल दोस्तों ये पहला जो अर्ली स्टेज का MIUI 13 का बिल्ड है, इसलिए जो है आपको परफॉर्मेंस भी इतना बढ़िया देने को नहीं मिलेगा। एंड बहुत सारी जो है बग्स आपको इस रॉम के ऊपर देने को मिलेगा। बाकी अगर आपके पास Revenote 7 डिवाइस है, MIUI 13 को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हूँ। तो इंस्टॉलेशन गाइड का जो वीडियो है जरूर से फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जो इंस्टॉलेशन वीडियो है सब चेकआउट कीजिएगा, उसको अगर फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप जो है आराम से अपने Revenote 7 के ऊपर MIUI 13 को इंस्टॉल कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स देने को मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर ऐड किए गए हैं MIUI 13 के ऊपर। तो बेसिकली जो MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन है उसे दोस्तों और थोड़ा सा बेहतरीन किया गया है। कुछ कुछ जो है हम यहाँ पर चेंजेस देने को मिल गया है। Revenote 7 के लिए बाय डिफॉल्ट जो गूगल कैमरा है देने को मिलता है, क्योंकि जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ पर MIUI 13 के साथ Revenote 7 के ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो गूगल कैमरा है देने को मिलता है, देख लेते हैं कौन सा वर्सन है। तो देखिए पर यहाँ पर GCam 8.2 हमें देने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो सिंपली देख लेते हैं UI कैसा है। तो कुछ इस तरह से जो है हमें यहाँ पर UI देने को मिल जाएगा इस गूगल कैमरा का। इसे आप यूज़ कर पाओगे क्योंकि आपको जो है यहाँ पर स्टॉक कैमरा जो है देने को नहीं मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको जो है गूगल कैमरा देने को मिल जाती है। तो गूगल कैमरा को ही आपको यूज़ करना होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर रहा है, मतलब जो कैमरा टू API होगा वो दोस्तों इनबिल है। तो आपको कैमरा टू API के ऊपर जो Level 3 का सपोर्ट है देने को मिलता है, तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर MIUI 13 के साथ जो कैमरा एप्लीकेशन से काम कर रहा है, कैमरा को यहाँ पर काम कर रहा है एंड जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर MIUI 13 के साथ जो गूगल कैमरा काम कर जाएगा, स्टॉक कैमरा जो यहाँ पर काम नहीं करता है। नेक्स्ट ये जो रॉम है दोस्तों चाइना बेस्ड रॉम है, चाइना के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, इसलिए आपको जो है कुछ कुछ जो है चाइनीज ऐप्स भी देखने को मिल रहा था, बट उसे दोस्तों यहाँ पर रिमूव किया गया है, ग्लोबल ऐप को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो आपको जो है यहाँ पर इस बिल्ड के ऊपर जो अननेसेसरी चाइनीज एप्लीकेशन है उसे रिमूव कर दिया गया है। प्लस आपको यहाँ पर जो है ग्लोबल्स एप्लीकेशन जो है उसे ऐड करके दिया गया है डेवलपर की तरफ से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाय डिफॉल्ट जब पहली दफ़ा आप इस रॉम को इंस्टॉल करोगे तो आपको जो है चाइनीज लैंग्वेज के ऊपर ही ये जो रॉम देने को मिलता है। आपको बाय डिफॉल्ट ये जो रॉम दोस्तों चाइनीज लैंग्वेज के साथ ही देखने को मिलता है, तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। इस बिल्ड के ऊपर आपको जो प्योर चाइना बीटा बिल्ड है वो आपको एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि दोस्तों MIUI 13 के ऊपर ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं किया गया है UI के ऊपर, इसलिए जो है ज़्यादा कुछ जो है हमें नया फीचर्स देने को नहीं मिला है। बट ये जो रॉम है दोस्तों प्योर चाइना बीटा का जो एक्सपीरियंस कर पाओगे इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो आपको यहाँ पर जो रीडिंग मोड देने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रॉल डाउन करने के बाद कई बार यहाँ पर आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जो है ब्राइटनेस लेवल के ऊपर आपको ऑटोमेटिक जो ब्राइटनेस का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर जो सनलाइट मोड भी देने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको रीडिंग मोड का जो ऑप्शन है देखने को नहीं मिलता है। देखिए पर यहाँ पर कोई भी रीडिंग मोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इस बिल्कुल आपको जो है रीडिंग मोड देने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग मोड के ऊपर ऐड नहीं किया गया है। UI के ऊपर कोई भी ज्यादा जो चेंजेस हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है। कुछ यूजर को MIUI 13 के साथ जो है परफॉर्मेंस के ऊपर इंप्रूवमेंट देने को मिला है, कुछ यूजर को MIUI 13 के साथ परफॉर्मेंस जो है MIUI 12 की तरह देने को मिल गया है। तो अगर आप MIUI 13 को इंस्टॉल करते हो तो क्या आपको परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी इंप्रूवमेंट देने को मिलता है, वो कमेंट करके जरूर से बोलना। नाउ दोस्तों पर बात कर लेते हैं यहाँ पर UI के ऊपर क्या क्या चेंज किया गया है UI के ऊपर। तो देखिए भाई यहाँ पर MIUI 13 के साथ कोई भी नया आइकन हमें देने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर जो है नया वॉलपेपर देने को मिल गया है। प्लस यहाँ पर जो आपको सिस्टम विजेट्स है उसमें हमें कुछ चेंजेस देने को मिल गया है। आपको MIUI 13 के साथ नया जो फॉन्ट है देने को मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलेगा UI के ऊपर। एंड यहाँ पर आपको एक बग भी देने को मिलता है लॉक स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पर Revenote 7 के ऊपर जो लॉक स्क्रीन है इसके ऊपर जो आपको लो ब्राइटनेस का जो बग है देने को मिलेगा। देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर
जो लो ब्राइटनेस का जो बग है देने को मिल जाती है जब भी आप फिंगरप्रिंट सेंसर को टैप करके उसके बाद जो आपका फ़ोन जो है थोड़ा सा लाइट अप होता है। एंड यहाँ पर आपको जो है स्टॉक कैमरा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको जो गूगल कैमरा यूज़ करना होगा। एंड ये जो रॉम है दोस्तों, इस रॉम के ऊपर कुछ कुछ इशू है, जैसे कि आपका जो लॉन्चर है काम नहीं करता है, आपका जो MIUI लॉन्चर है दोस्तों क्रैश कर जाता है, बंद हो जाता है, तो आपको इसलिए जो है पोको लॉन्चर यूज़ करना होगा। एंड यहाँ पर इस रॉम को इंस्टॉल करने के दौरान आपको क्लीन फ्लैश करना होगा, प्लस जितने भी दोस्तों अनवांटेड एप्लीकेशन था यहाँ पर रिमूव करके दिया गया है इस रॉम के ऊपर। एंड बेसिकली आप देख सकते हो ये सभी जो एप्लीकेशन आपको देने को मिलेगा, तो मैंने कुछ एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल भी किया है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर सेटिंग्स की, तो ये देखिए पा रहे हो यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट यहाँ पर काम कर रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की अगर बात करूँ, देख सकते हो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ये सभी ऑप्शन देने को मिलेगा। डेफिनेटली अपना जो रेडमी नोट 7 है इसके ऊपर तो AMOLED डिस्प्ले है नहीं, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ये सभी जो ऑप्शन देने को मिल जाती है, सभी जो ऑप्शन है दोस्तों आपको बाकी MIUI 12 कोड भी देने को मिलेगा, तो नथिंग इंटरेस्टिंग। एंड डिस्प्ले के ऊपर ये सभी ऑप्शन से यहाँ पर भी आपको कुछ भी नया देने को नहीं मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें, ये सभी ऑप्शन देने को मिलेगा साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन से। ये जो साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन है आपको MIUI 12 के साथ भी देने को मिलेगा। बाकी साइलेंस मोड, डू नॉट डिस्टर्ब एंड यहाँ पर वाइब्रेट, ये सभी जो ऑप्शन है आपको MIUI 12 के साथ भी देने को मिलेगा। एडिशनल चेंजेस की अगर बात करूँ, कोई भी चेंजेस नहीं है, देखिए पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस जो है यहाँ पर साउंड के ऊपर देने को नहीं मिला है। साउंड इफेक्ट की बात करूँ तो ये काम करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इक्वलाइजर का भी ऑप्शन से MIUI का जो साउंड एनालाइजर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स ये भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस वाइब्रेशन का भी ऑप्शन से डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी देने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करूँ, देख सकते हो नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है वही हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। अभी तक जो नया वाला कंट्रोल सेंटर है MIUI 13 के साथ वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला इस पहला बीटा अपडेट के ऊपर। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको ये सभी जो ऑप्शन देने को मिल गया है। वंस अगेन नो चेंजेस एट ऑल, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी नया फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। होम स्क्रीन की अगर बात करूँ, देखिए पर यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो MIUI का लॉन्चर देने को मिलता है, बट यहाँ पर जो पोको लॉन्चर है उसे आपको यूज़ करना होगा। एंड बाय डिफॉल्ट आपको जो पोको लॉन्चर है उसे भी ऐड करके दिया गया है, तो आपको यहाँ पर डेवलपर की तरफ से जो पोको लॉन्चर है वो भी देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्चर है इसके साथ कुछ इशू है, देखिए पा रहे हो यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर क्लिक करने में क्या होता है, आपका जो होम स्क्रीन है दोस्तों ओपन नहीं होता है, तो उसके ऊपर जो है इशू देने को मिल जाती है। तो इसके लिए आपको जो है पोको लॉन्चर को यूज़ करना होगा, बाय डिफॉल्ट जो है पोको लॉन्चर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट एंड स्किन लॉक के बारे में। देख सकते हो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट किया है। एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो फेस अनलॉक है अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो फेस अनलॉक है देने को नहीं मिलेगा। नाउ देख लेते हैं फिंगरप्रिंट कैसा है। देखिए पा रहे हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, जस्ट टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, तो फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट हमें देने को मिलता है। बहुत जल्दी हमारा जो फोन है यहाँ पर अनलॉक कर पा रहा है, तो फिंगरप्रिंट के साथ कोई भी इशू वाली बात नहीं है। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो हमें बग देने को मिलता है, लॉक स्क्रीन के ऊपर जो लो ब्राइटनेस का इशू है देने को मिल जाती है, बट फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी फास्ट है एंड काफ़ी एक्यूरेट हमें देने को मिलता है। तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक है अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर जो फेस अनलॉक है उसे रिमूव किया गया है डेवलपर की तरफ से। देखिए पा रहे हो आपको यहाँ पर MIUI 13 के साथ जो प्राइवेसी फीचर्स है उसे भी इम्प्रूव किया गया है। बैटरी की अगर बात करूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो बिल्ड है दोस्तों शायद GSI बिल्ड है, इसलिए आपको जो है ज़्यादा जो अच्छा बैटरी बैकअप देने को नहीं मिलेगा। प्लस ये दोस्तों बिल्ड है एक अर्ली स्टेज का MIUI 13 का बिल्ड है, इसलिए आपको ज़्यादा जो अच्छा बैटरी बैकअप देने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो MIUI 13 जो है उसे इंस्टॉल मत करना। रिसेंटली बिल्ड हमें देने को मिला है MIUI 13 के साथ, उसके ऊपर बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया नहीं है। बैटरी बैकअप के लिए इस रॉम को इंस्टॉल मत करना, क्योंकि ये जो बिल्ड है दोस्तों पोर्ट बिल्ड है और GSI बिल्ड आप इसे कह सकते हो, तो बैटरी बैकअप इतना बढ़िया नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है एप्स का भी ऑप्शन है। एडिशनल सीरीज की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो गेस्चर शॉर्टकट देने को मिलेगा, 100 मोड है, प्लस आपको यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर्स है उसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर्स है वो यहाँ पर कोई भी काम का नहीं है, देखिए पर 0.00 GB लिखा रहा है, तो यहाँ पर जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर्स है यहाँ पर काम नहीं करता है। स्पेशल फीचर्स के ऊपर आपको जो स्लाइड बार का फीचर देने को मिलेगा, ये जो फीचर्स है ऑलरेडी MIUI 12 के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर MIUI लैब के ऊपर जो ये जो ऑप्शन है ये भी देने को मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर जो है प्राइवेसी का भी ऑप्शन है एंड जो लाइट मोड है वो भी देने को मिल गया है। तो स्पेशल फीचर्स के ऊपर ये सभी जो ऑप्शन है आपको देने को मिल जाएगा, कोई भी नया फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी नया ऑप्शन आपको यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जो MIUI 13 को ट्राई किया है रेडमी नोट 7 के ऊपर, इसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है MIUI 13 का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन है उसकी तरह ही है दोस्तों। MIUI 13 को आप जो है MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन प्लस ही सब कह सकते हो, मतलब
MIUI 13 के साथ आपको कोई भी नया UI देने को नहीं मिलेगा, कुछ नया आइकॉन्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको नया वॉलपेपर, नया फॉन्ट एज वेल दोस्तों आपको जो है कुछ नया वर्जर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके अलावा आपको MIUI 13 के साथ और भी कुछ नया फीचर्स देने को नहीं मिलेगा। तो MIUI 13 का जो अपडेट है, अगर आप इसे इंस्टॉल करोगे अपने रेडमी नोट 7 के ऊपर, तो आप एक दिन यूज़ करोगे, उसके बाद जो दूसरा कोई कस्टमर है उसके ऊपर आप डेफिनेटली जो है स्विच कर जाओगे। ये चीज़ एकदम सही है एंड बाकी देखते हैं इन फ्यूचर आपको और क्या क्या नया फीचर्स देने को मिलेगा MIUI 13 के साथ। नाउ कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है जो कि हमने यहाँ पर रन किया था, वो भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर Geekbench 5 के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बोला था, ये जो बिल्ड है दोस्तों पोर्ट बिल्ड है, इसलिए जो आपको परफॉर्मेंस इतना बढ़िया देने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिंगल कोर के ऊपर 334 देने को मिल गया है, मल्टी कोर के ऊपर 645 देने को मिल गया है, जो कि काफी कम है। तो आपको यहाँ पर सिंगल कोर और मल्टी कोर के ऊपर काफी जो है कम स्कोर देने को मिलता है। अगर बात करूँ 3D Mark की, तो 3D Mark का जो टेस्ट हमने कई दफा करने की कोशिश की, बट 3D Mark का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। सेपनेट की अगर बात करूँ, तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रूट जो सेपनेट है यहाँ पर फेल्ड हो चुका है, मतलब गूगल पे फोन पे सर की जो एप्लीकेशन होगी बाय डिफॉल्ट काम नहीं करेगा। अगर बात करूँ यहाँ पर सिपू थोरिंग टेस्ट की, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 71, एवरेज है 70, यहाँ पर कोई भी सिपू थर्टल देने को नहीं मिला है, यहाँ पर मैक्स सिपू गया है 2.20 GHz तक। तो यहाँ पर एक चीज तो सही है दोस्तों, ये जो रॉम है दोस्तों प्रॉमिस के लिए नहीं है एंड यहाँ पर आपको जो होम स्क्रीन के ऊपर जो कुछ कुछ टाइम आपको लैग देने को मिलेगा, प्लस जो रैम मैनेजमेंट है MIUI 13 का इस पर्टिकुलर बिल्ड का इतना बढ़िया नहीं है। ये जो बिल्ड है दोस्तों MIUI 13 का पहला और अर्ली स्टेज का बिल्ड है, इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से जो ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको MIUI 13 का और भी ज्यादा अच्छा जो स्टेबल एंड ऑप्टिमाइज जो बिल्ड है आपको देने को मिल जाएगा फॉर श्योर। MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन है उसके ऊपर जो फीचर्स है ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको यहाँ पर देने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो MIUI 13 का जो वॉलपेपर है उसे भी इंस्टॉल कर सकते हो MIUI 12 के ऊपर, प्लस फॉन्ट को भी इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस विजेट्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो MIUI 13 के साथ आपको नया कोई भी फीचर्स देने को नहीं मिलेगा एंड जब इसका ग्लोबल लॉन्च होगा उसके ऊपर भी आपको नया जो कोई भी फीचर्स आपको देने को नहीं मिलेगा फॉर श्योर। बाकी अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो इस रॉम को, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉलेशन वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि दोस्तों ये जो बिल्ड है बीटा बिल्ड है, इसलिए आपको बहुत सारी लैग, बहुत सारी हैंग एंड बहुत सारी जो इशू देखने को मिल सकता है फॉर श्योर। बाकी बहुत ही जल्दी MIUI 13 का नया नया जो है पोर्ट बिल्ड अवेलेबल होगा एंड इस चैनल के ऊपर आपको डेफिनेटली जो है सभी का जो रिव्यू मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।